हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी जोन प्लस पे। आज हम आपके लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 18 अगस्त सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के मॉर्निंग शिफ्ट के, इसमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं मैथ के, वो हम आपके पास लेके आए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैथ के क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट में। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था 1500 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था 1575, 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सी आई इक्वल टू एस आई इंटू 1 प्लस r/2000, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर सी आई की वैल्यू पुट कीजिए और एस आई की वैल्यू पुट कीजिए, और यहाँ पर आर की वैल्यू 10% आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन दिया था x इक्वल टू -3 और मिरर इमेज पूछा था 5,2 पे का विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -3। तो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेंगे हम, और 5,2 यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट साइड में 5,2 और x इक्वल टू -3 ड्रॉ कर लिए। तो -3 से 5,2 इसका डिस्टेंस क्या है, 8 यूनिट है एक्सिस पे, तो इसके अपोजिट जाएगा 8 यूनिट, यानी -3 से एक्स यूनिट। तो -3 से एक्स यूनिट कितना हो जाएगा, -11 पे पहुंच जाएगा, यानी इसका -11 और वाई एक्सिस तो सेम रहेगा -2, यानी इसका रिफ्लेक्ट मिरर इमेज हो जाएगा -11,2। थर्ड क्वेश्चन था, इसमें सेंट्रॉइड पूछा था, 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है a1,b1, बी का कोऑर्डिनेट है a2,b2 और सी a3,b3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a1+a2+a3/3, b1+b2+b3/3, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था a2+b2=19 और a(b-6) दिया हुआ था, और a+b=, पूछा था क्या होगा। तो सिंपल से यह तरीका, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं a=3 हम पुट कर दें और b=-3 पुट कर दें तो 19 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। सो दोस्तों, यहाँ पे a³ होगा, a³+b³=19 दिया हुआ है। एक बार करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे गलत लिख गया है, a³+b³=19 है और ab=-3 है और a+b पूछा है, तो -6 दिया हुआ। a=3 पुट करेंगे तो a³ कितना हो जाएगा, 27, और b=-2 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा -8, यानी सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 टोटल, a³+b³ 19 हो जाएगा, और a×b-6 हो जाएगा, यानी a+b=-3-2, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, a³+b³=19 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 11 to 79 विच इज डिविजिबल बाय 6। तो 11 से 79 के बीच में 6 के डिविजिबल होंगे 12, 18, 24, 17, 78 तक, तो ये AP बन रहा है डायरेक्टली जहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये लास्ट टर्म इक्वल टू, जो फार्मूला होता है लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर लास्ट टर्म 78 है, फर्स्ट टर्म 12 है, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ जाएगी। और एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो सम ऑफ AP क्या होता है, n/2 × 2a + n-1d। तो n यहाँ पे a की वैल्यू 12 है और n 12 आ गया और d 6 है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एवरेज 45 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 times a fraction and 6 times its reciprocal, सम इज इक्वल टू 11, फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना था। इसमें हम पहले फ्रैक्शन मान लेंगे कि फ्रैक्शन 1/x है, मान लेंगे तो इजी पड़ेगा। तो 4 times 4 × 1/x एंड 6 times its reciprocal, यानी 6x का एडिशन 11 दिया हुआ है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x=1/2 और 4/3 निकल के आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन दिया हो तो दोनों लगा सकते हैं, या जो इसमें से ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हो वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोसेक थीटा इक्वल टू 25/7 दिया हुआ था और कोस थीटा पूछा था क्या होगा।
तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 7/25। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, बेस क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से बेस निकाल देंगे तो 24 इसका बेस आ जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 24 आ गया और हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है, यानी 24/25 इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना सा ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आगे के जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे हम आपके पास लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।